हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीए में दिल्ली यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में। ठीक है, अभी रिसेंटली ये सारे नॉन डीयू के नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स हुए हैं। अब होपफुली जो इसका रिजल्ट है हम लोग मई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक जितनी पोस्ट का एग्जाम्स हो चुका है लगभग सबका हो गया शायद, तो हम लोग मई तक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मई तक एक्सपेक्ट करेंगे रिजल्ट, तो उसके बाद एक महीना और लगा लो, यानी कि जून तक या जुलाई तक आप लोग जो मेंस होगा ना, ठीक है, वो आपका कराया जा सकता है। ठीक है, जून मान के चलो, जुलाई हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है और टाइम मिल जाएगा, बट जून मान के चलो कि मेंस के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो भाई जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर है इसमें डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो पैटर्न दे रखा है वो दे रखा है, जैसे कि जो पेपर टू है उसमें एक तो डिस्क्रिप्टिव टाइप है जिसके अंदर कि आपको ऐसे बताया जाएगा कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग। ठीक है, अब देखो ऐसे लेटर तो मैंने आगे वीडियो में समझा रखा बता रखा है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है बेसिकली। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जो पैसेज होता है, ठीक है, एक पैसेज आता है आपको अनसीन पैसेज, ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड यू हैव टू राइट डाउन क्या व्हाट आंसर्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको लिखने होंगे, और आंसर्स कहाँ से देख के, वो जो आपका ये अनसीन पैसेज है ना इसमें से देख के आपको आंसर लिखने होंगे अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे कि वही टेंथ और ट्वेल्थ, मतलब टेंथ में जो पहले हम लोग स्कूल में करते थे वही काम है कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, और उसके बाद एसे और लेटर राइटिंग आएगा। ठीक है, एसे के टॉपिक्स मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा क्या क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और लेटर राइटिंग भी। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा जिसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा। ठीक है, जैसे ये खत्म होएगा उसके बाद आपको क्या है ऑन द स्पॉट टाइपिंग है। क्या है ऑन द स्पॉट टाइपिंग, ठीक है ना, जैसे ये आपका ये खत्म होएगा रिटर्न वाला डिस्क्रिप्टिव टाइप, आपका स्किल टेस्ट है। ठीक है, और जो है स्किल टेस्ट वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके कोई मार्क्स नहीं छूटने वाले हैं। उसके बाद अब ये एक और चीज़ जो है मैंने नोट के लगा रखी है कि मेरिट लिस्ट, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट है ना, ठीक है, इट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पेपर वन पेपर टू एंड स्किल टेस्ट सेपरेटली। यानी कि तीनों को पास करना जरूरी है, पेपर वन को भी, पेपर टू को भी और स्किल टेस्ट को भी। हम पेपर वन पास करेंगे जो लोग, ठीक है, वो आएंगे पेपर टू में। ठीक है, और पेपर टू और पेपर ये जो स्किल टेस्ट है दोनों क्वालिफाई करना है। मान लो पहले पेपर टू चेक होगा, पेपर टू जो लोग क्वालिफाई करेंगे बेसिकली उनका स्किल टेस्ट उसके बाद चेक होने जाएगा, और मान लो वो स्किल टेस्ट में फेल है, टाइपिंग स्पीड में फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ में आया, तो तीनों में पास होना जरूरी है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना, मेरिट लिस्ट वो बनेगी किस पे, कंबाइन स्कोर ऑफ पेपर वन एंड पेपर टू ओनली। समझ में आया, जो पेपर वन जो आपका सीबीटी वन था ना वो था पेपर वन, और पेपर टू है जो ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, अब ये देखो, देख रहे हो आप, जैसे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसे राइटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। ठीक है ना, अब जैसे कि पहला दे रखा है वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो यार मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट, और वैसे डीयू का है तो अच्छा खासा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, और इस पे मैंने भी आपको ना आगे मैं पीडीएफ शेयर कर रखी है, उसमें कई एसेज मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा उसमें, आप एक बार पीडीएफ वो पढ़ लेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक दे रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो बेसिकली ये 2020 में लागू हुई थी आई थी। ठीक है ना, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझाना पड़ेगा, ये आपका ऐसे हो सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया ब्लेसिंग और कर्स फॉर द सोसाइटी, कि भाई सोशल मीडिया क्या है, क्योंकि उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ गए बेसिकली, मेरिट डिमेरिट्स। उसके बाद है अगला टॉपिक दे रखा है वर्क फ्रॉम होम। अब क्योंकि भाई कोविड पैंडेमिक जब से चला है ना, तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन है ये बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक ना हॉट टॉपिक है बेसिकली, वर्क फ्रॉम होम बून और ए बेन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सारे वर्क फ्रॉम होम के ऐसे के तौर पे आ जाएंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इलिटरेसी, ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ये डिजिटल एजुकेशन जिसको आप कहते हो, या ऑनलाइन या ई लर्निंग भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ई लर्निंग। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है, तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन का, इस पर भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ये कॉमन टॉपिक वही ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन फॉर
ऑल, ठीक है, इन्वायरमेंट ये भी पढ़ के जाना आप, ठीक है, प्लास्टिक बैन भी पढ़ लेना, नॉर्मल टॉपिक है बेसिकली, ठीक है ना। ये सारे तो ऐसे टॉपिक्स है कि जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होगी, ठीक है, मतलब लिख लेता बच्चा तो, बट स्टिल ठीक है, यू हैव टू बी मतलब केयरफुल ना, कि थोड़ा अच्छे से नॉलेज हो। उसके बाद ई व्हीकल्स, ठीक है, अब क्योंकि ई व्हीकल्स का आप देख रहे हो बहुत जमाना आ रहा है, आप क्या है ना भाई, सरकारी व्हीकल्स भी है ना, जो सरकारी व्हीकल्स वो भी आप लोग ई व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो जिनकी ग्रीन नंबर प्लेट होती है, आप लोगों ने देखी होगी ग्रीन नंबर प्लेट, ठीक है, तो वो ई व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। उसके बाद एक है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी एक टॉपिक है, मतलब अभी लास्ट टाइम जैसे सीजीएल के जो बच्चे थे जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता था सीजीएल सीएचएसएल, तो ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, तो बच्चों ने प्रिपेयर किया था, बट आया कुछ नहीं। और एक ये मस्ट, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, जैसे कि रैगिंग इन कॉलेजेस, ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैगिंग इन कॉलेजेस। तो भाई ये क्या, इसके बारे में आप बताएंगे कि एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है और क्या क्या चीज़ें हैं, रैगिंग कैसे कैसे कहाँ कहाँ मतलब बैन है या बंद है या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी रैगिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सब मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं यार, इनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। मैंने आगे पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा इस, अभी मैं वीडियो के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोगों को इनमें से काफ़ी मोस्ट ऑफ दी जो ये लोग ये टॉपिक्स हैं इसका आप लोगों को कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसी में लेटर राइटिंग्स भी मैंने डाल रखे हैं। अब क्या नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी ये है ना, आपको मैं सिंटेक्स बता देता हूँ बेसिकली लेटर राइटिंग का, ठीक है ना। सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब फॉर्मेट यार, ठीक है, फॉर्मेट। तो ये अब क्या है, फॉर्मल लेटर सही है, मैंने क्या फॉर्मल लेटर का, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर जब आता है ना, ठीक है, फॉर्मल लेटर बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखो या मैनेजर को लिखो, किसी बैंक मैनेजर को या ऑफिसर को या किसी हायर अथॉरिटी को या पुलिस ऑफिसर को, ऐसे करके, तो ये आते हैं फॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। तो इनका जो फॉर्मेट है वो देख लो, जान लो। सबसे पहले आएगा आपका एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस मान लो जैसे कुछ भी आप बोल दो, ठीक है ना, यहाँ पे बोल दो कुछ भी एड्रेस ले लो, जैसे मेरा था मतलब कॉलेज का नेहरू नगर, नेहरू नगर, ठीक है, कुछ भी ले लो, न्यू दिल्ली, ठीक है, 65। उसके बाद आ जाएगी आपकी डेट, हल्का सा गैप देके डेट, और ऐसे डेट मत लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे कि आज की डेट 13 हो गई, शायद 13/04/2023, ठीक है, ये डेट आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद अब क्या है ना भाई, यहाँ पे टू वो मत डालना, ये टू नहीं डालना है हमको, डायरेक्टली किससे शुरू करना है, इससे, ठीक है, यही चीज़ आएगी, मान लो द एडिटर है, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद किसका है ये, एक्स वाई जेड टाइम्स, ठीक है, और एड्रेस क्या है, न्यू न्यू दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका थोड़ा सा मतलब एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, ठीक है, उस सब्जेक्ट में है ना कुछ भी टॉप, जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो कि स्ट्रीट डॉग्स बहुत रखे हैं, स्ट्रीट डॉग्स बहुत रखे हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग्स न्यूएंस, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद एक लाइन और छोड़ के फिर आपका यहीं पे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपका कंटेंट शुरू करना आपको नीचे, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने बता रखा है कि भाई जो रिस्पेक्टेड सर है लिख रखा है, इसके बाद बॉडी आएगी, बॉडी में जैसे मैंने लिखा पैरा 1, पैरा 1 में जैसे कि आप लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस इशू, इशू को ना जो भी क्वेश्चन में मेंशन है उसको भाई इंट्रोड्यूस करो, या रीज़न फॉर राइटिंग, जो भी रीज़न है, ठीक है, वो रीज़न बताओ। उसके बाद पैरा 2 में आप लोग लिख सकते हो कि भाई इशू को थोड़ा इलेबोरेट कर दो, थोड़ा सा मतलब समझाओ, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस करने के बाद इशू को समझाओ, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत देके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, आप लोगों को बेसिकली, ठीक है। फिर पैरा 3 में आप लोग ना उसका सॉल्यूशन मांग सकते हो, ठीक है, कि भाई हम लोग आप ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करो प्लीज़ सर, ठीक है, अदरवाइज आप क्या नाम है अपना कंक्लूजन दे सकते हो, यानी कि व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी कि आप लोगों को सॉल्यूशन पता है तो आप लोग उनको सॉल्यूशन एक तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि सर ऐसा ऐसा कर दो, स्ट्रीट डॉग्स बहुत बहुत हो रहे हैं तो उनको मतलब कहीं और किसी और जगह पे शिफ्ट कर दो, ऐसे करके। उसके बाद लास्ट लाइन में आपको ये जो मैंडेटरी लाइन है, ठीक है, ये चीज़ थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ऐसे करके ये एक लाइन लास्ट में और ऐड कर दो। एक्चुअली क्या है, देखो यार कंटेंट के मार्क्स होते हैं इसके मार्क्स, ठीक
ठीक है। और दूसरा क्या है ना, आपका जो ये पूरा फॉर्मेट जा रहा है ना, देखो ये वाला पूरा फॉर्मेट ये, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके भी मार्क्स है यार। तो आपका अगर कंटेंट में ना ग्रामर वामर में कुछ दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें मार्क्स कटेंगे, बट ये सिंटेक्स आप पूरा अच्छा रखोगे ना तो सिंटेक्स के तो मिलेंगे आपको, मतलब फॉर्मेट के, सॉरी, ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के थैंक यू के भाई योर सिंसेयरली, और जो भी आपका नाम दिया होगा, ABC, ABC मैंने एग्जाम्पल के तौर पर डाल दिया, वहाँ पे नाम वाम मैंशन होगा, और नहीं होता तो आप भी ABC XYZ कुछ भी डाल सकते हैं जब मैंशन नहीं है तो, ठीक है। अपना नाम मत डालना यार, क्योंकि UFM का कुछ पता नहीं है, UFM मतलब अनफेयर मीन्स, ठीक है, SSC में तो होता था, इसका पता नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मल लेटर का मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, और सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में जैसे दे रखा है कि इनफॉर्मल लेटर का मैंने फॉर्मेट दे रखा है, इसमें भी सेम है, ठीक है, कि पहले आ जाएगा एड्रेस ऑफ सेंडर, ठीक है ना, कुछ एड्रेस लिख दिया हमने कि भाई नेहरू नगर, ठीक है, नेहरू नगर न्यू दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद हमारी आ गई डेट 13/4/2023, या फिर 13 अप्रैल 2023, ऐसे भी लिख लो। अब क्या है भाई, अब क्या है, हमको ये टू वो कुछ नहीं लिखना है, इनफॉर्मल लेटर्स आपको पता ना, ऐसे अपने भाई बंधु मम्मी पापा यार दोस्त इन सबको होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं आता कुछ भी, ना टू वो आएगा ना किसी का कुछ आएगा। इसके बाद आपको लाइन दे के सीधा डियर डियर मान लो कुछ भी है, प्रियंका, ठीक है, डियर प्रियंका, उसके बाद जो भी टॉपिक, उसके बाद ना देखो ये लाइन जो मैंने लिख रखी है ना, ये तो भाई आप लोग ना रट्टा मार लेना, हमारा रट्टा इन द सेंस यार याद कर लेना, ठीक है, इनफॉर्मल में ना, कि इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, हाउ हैव यू बीन, ठीक है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड चीयरफुल स्पिरिट्स, ठीक है। तो इसके भाई आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी मार्क्स होंगे ना इसके पक्का मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर स्टार्ट कैसे करना है, देखो स्टार्ट जो भी टॉपिक होगा, रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट फलाना फलाना, वट एवर द टॉपिक इज, जो भी ऐसे करके आप लोगों को टॉपिक अपना स्टार्ट कर देना, कंटेंट आपका आ जाएगा इसमें, ये सारा कंटेंट में आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि भाई पढ़ाई नहीं कर रहा है कोई दोस्त तुम्हारा, तो उसको भाई मान लो भाई को पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको समझाओ कि भाई पढ़ाई कर, ठीक है ना, बोर्ड के पेपर है तेरे, और ऐसे करके वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझानी पड़ेगी, यहाँ पे लेटर में डाल दो। फिर लास्ट में लिख दो कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, ठीक है, सी यू सून, ठीक है, टेक केयर, बस सी यू सून, टेक केयर भी डाल सकते हो, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद नीचे आएगा यूएस ट्रूली, यूएस लविंगली, यूएस फ्रेंडली, ठीक है, तो ऐसे करके आ जाएगा, भाई भाई है तो लविंगली ऐसे करके डाल दो। और उसके बाद अपना नाम, मैं जो भी मेंशन है नाम, या ABC XYZ जो भी आप लोगों को डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है यार। यहाँ पे टू वो कुछ मत लगाना है, सिंपल सिंपल चलता है, एड्रेस चलता है, डेट चलता है, सब्जेक्ट नहीं आता है इसमें, सब्जेक्ट 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 जो है वो नहीं आता है, आप लोग मत डालना, ठीक है। उसके बाद सीधा डायरेक्ट डियर फ्रेंड वट एवर, फिर अपना ये इस चीज़ को यार याद कर लेना, ठीक है, ऐसे करके आपका ये वाला लेटर भी हो जाएगा। अब क्या है, अब जैसे अगला, जैसे कि बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फॉर एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। अब क्या है, मैंने ना ये PDF है, देखो मैंने बना दिया, मैंने कुछ सैंपल डाले हैं ये, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव मैंने पेपर का एसे एंड लेटर्स डाल रखे हैं, यूजफुल फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है हिंदी कि एसे स्क्रीनशॉट डाले हैं ये मैंने उसके, ठीक है, ये फॉर्मल लेटर्स का स्क्रीनशॉट एक इसका, ठीक है। तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा अभी बस, ठीक है ना, आप लोगों को वहाँ से PDF मिल जाएगा, और उससे तैयारी करें बैठ के पढ़ें। और अगर आपको बुक्स बुक्स चाहिए एसे के लिए ना, ठीक है, तो ये बुक्स है, मैंने क्या है ना, मेरे पास ना ये वाली बुक है, ये ना शायद 2018 का एडिशन है, ये वाला जो है ना 2018 का, और ये वाला जो है लेटेस्ट एडिशन है, ये शायद 2022 का है, ठीक है। तो ये भाई बहुत एक नंबर की किताबें हैं ये, ठीक है ना, ये भाई SSC में जो CGL वाले बच्चे होते थे, CHSL जो पहले डिस्क्रिप्टिव होता था ना उनमें, ये बहुत MTS उनमें बड़े काम आती थी ये, बेसिकली UPSC के लिए भी काम आती है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो ये किताबें देख लेना, मतलब अगर आपको पढ़नी हो तो, मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ इसका, मैंने बस ऐसी बता दी है क्योंकि मेरे पास है ये, मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट डाल दिए, लेटेस्ट वर्जन है शायद ये, तो अब कुछ भी मिल जाए, चाहे ये मिल जाए, चाहे ये आपको लेनी चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो जो वो मैं आप लोगों को कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, टॉपिक्स मैंने बताई दी हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ भी दिक्कत होती है ना आप लोग कमेंट कर दो।
ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है आस्क इन कमेंट, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, कट ऑफ्स वगैरह और रिजल्ट वगैरह ये तो यार पता नहीं है मेरे को भी। एग्जाम्स तो मैंने भी दिए थे, ठीक है, मैं भी चला गया था, जूनियर असिस्टेंट का भी दिया है मैंने, ठीक है, असिस्टेंट का भी दिया है और उसका सीनियर असिस्टेंट का भी दिया है। तो ये एग्जाम्स मैंने भी दे रखे हैं मेरे। अब मेरे मार्क्स ना मैंने ना गिने नहीं है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ ये अजीब सा तरीका था इनका गिनने का। मैं तो भाई वो जो एक कुछ मेरे पास ऐप सा है किसी का, ठीक है, तो उस पर मैं लिंक डाल देता हूँ, वो मार्क्स बता देता है, तो मैं वैसे गिनता था, मैंने एक एक करके बैठा नहीं, बट हाँ मेरे भी ठीक मार्क्स होंगे मेरे को लगता है, क्योंकि ठीक गए थे मेरे पेपर। लेकिन अब बाकी देखो कि रिजल्ट कब तक आता है, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से ना तो रिजल्ट होगा इसका, ठीक है, ये अभी अप्रैल एंड है, या फिर आप कह सकते हो मई, ये दे देगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेन टायर टू होगा ना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, वो आप मान के चलो, ठीक है, जून, जून ले लो भाई, ठीक है, और नहीं भी होता तो जुलाई तो है ही, ठीक है ना, बट जून को ही मान के चलो भाई, ताकि तैयारी तो हो आप लोगों की। देखो पोस्ट अच्छी है ये मैं बता देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट दोनों तीनों, ठीक है ना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में पोस्टिंग है, ठीक है ना, आप तो अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो और सब मिल जाएगा आप लोगों को। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाले बंदे भी हैं, आप लोग भी पक्के हो जाओगे, आप लोगों के पास तो एडवांटेज भी रहेगा वो मार्क्स का ना, कॉन्ट्रेक्चुअल के पास, ठीक है, मार्क्स का, उनका एक्सपीरियंस का आप लोगों को प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप ये अब डिस्क्रिप्टिव अच्छे से देना पेपर ना, डिस्क्रिप्टिव अच्छे से तैयारी करके दो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, मेहनत कर रहा है यार काफ़ी तुम लोगों के लिए थोड़ा, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच गाइस। और PDF अगर आप लोगों को, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।